सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो सुबह टेस्ट हुआ था उसमें सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और आपका जो रिजल्ट है वो कल शाम को 6 बजे सुना दिया जाएगा। ठीक है, किसके कितने नंबर आए, कितने किसने गलत किए, कितने किसने सही किए, किसकी क्या रैंक थी, वो सब आपको सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो कल लाइव क्लास होगी ऑन द बोर्ड। राजकुमार जी सर आपकी क्लास लेंगे और वो आपको पूरा पेपर सॉल्व भी करवाएंगे और सॉल्व करवाने के साथ साथ वो क्या करेंगे, आपको आपका रिजल्ट भी सुना देंगे। ठीक है, तो टेस्ट के बारे में तो बातचीत हो गई है, अब बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, जो आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जेट, आईसीआर और बीएचयू तीनों के क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इंक्लूड किया गया है और उनको इंक्लूड करने के बाद में और कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करना। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे, अगर बीच बीच में क्लास देखोगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, और अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए आप ताकि सारे स्टूडेंट आ जाएं। आप लिंक को शेयर नहीं करते हैं फिर स्टूडेंट आते नहीं हैं। आज भी सुबह मैंने देखा था कि आपने लिंक शेयर नहीं किया और बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लास जो पेपर आधा होने के बाद में आए थे, फिर बोल रहे थे सर हम कैसे पेपर को देना है, कैसे आंसर लिखने हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। इसीलिए कहता हूँ कि पहले लिंक शेयर कर दिया करें और सारे स्टूडेंट आ जाया करें। अब कल से ऐसा करेंगे, जब अगली बार टेस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी और लिंक भी पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सुधार करेंगे, धीरे धीरे सिस्टम में सुधार हो रहा है तो आगे और बहुत कुछ सुधार होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन क्या है वापस से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पर बनते हैं, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऊर्जा को प्रदान कराना। अब आपसे पूछा गया है कि जो एक एटीपी अणु होता है उसके अंदर ऊर्जा कितनी होती है, कितनी एनर्जी उसके अंदर होती है या कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है या आपको प्राप्त करवाता है। तो बताना है आपको एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3.0 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 8.3 किलो कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 7.3 किलो कैलोरी। अब बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका जवाब, एक एटीपी अणु में कितनी ऊर्जा होती है। देखिए, जिसने ऑप्शन नंबर डी वाला जवाब दिया है 7.3 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक एटीपी अणु में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है या 7.3 किलो कैलोरी यूनिट आपकी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाइकेन का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माइकोलॉजी, बी है हमारा लाइकेनोलॉजी, सी है हमारा ग्रेनोलॉजी और डी है हमारा कोई नहीं। अब आपको बताना है क्या होगा इसका जवाब, लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माइकोलॉजी, बी है लाइकेनोलॉजी, सी है हमारा ग्रेनोलॉजी और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, ग्रेनोलॉजी या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल सर्च करके लाता हूँ। जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है, लाइकेनोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइकेन का अध्ययन करेंगे हम, लाइकेन का जो स्टडी करेंगे साइंस का, वो जो ब्रांच होगी साइंस की, उस ब्रांच को हम कहेंगे लाइकेनोलॉजी। तो ध्यान रखना, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में क्या करेंगे, लाइकेन का अध्ययन करेंगे। शैवाल और कवक मिलकर क्या बना, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस से बता देता हूं। देखो कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है, कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है और इन दोनों के बीच में आपसी संबंध होता है, कुछ पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है और ये दोनों ही सहजीवी जीवन जीते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा लाइकेन क्या होते हैं और इसका अध्ययन जब करेंगे हम तो ये कहलाएगा लाइकेनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाई से बनती है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में डाउट रहता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं 80S है, दो उप इकाइयाँ 40S प्लस 40S होंगी, तो ऐसा नहीं होता है, आपका डाउट क्लियर करेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाइयों से बनती है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 60S प्लस 40S, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 40S प्लस 40S, सी है हमारा 50S प्लस 30S और डी है हमारा 40S प्लस 50S। अब जिसको आंसर आता है वो एक बार दे दीजिए लाइव चैट बॉक्स में, जिसको इसका आंसर आता है वो दे दीजिए एक बार, क्या होगा इसका आंसर, राइबोसोम की 80S इकाई किन दो उप इकाइयों से बनती है, जवाब दीजिए इसका। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है, जो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ होती हैं, सॉरी राइबोसोम की जो 80S इकाई होती है वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनती है, जिसमें एक उप इकाई होती है 60S और दूसरी उप इकाई होती है 40S, तो 60S और 40S मिलकर क्या बनाती है 80S। अब आप कहोगे सर 60S और 40S मिलकर तो सर 100S हो जाना चाहिए, तो 100S नहीं होता है, जब इनका निर्माण होता है तो इसके दौरान 20 जो इनकी यूनिट होती है, 20 नंबर होते हैं या 20 उसको कह सकते हैं इसकी उप इकाई या सब यूनिट, वो कोलेप्स हो जाती है, तो कोलेप्स होने के बाद में कितनी बचती है 80 ही बचती है, तो ध्यान रखना 60S प्लस 40S मिलके क्या करेंगे 80S राइबोसोम का निर्माण करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे, तो फंडा यहीं पर क्लियर होगा इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है। देखिए BHU 2018 का सवाल है, BHU 2018 में पूछा गया है कि दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीन थेरेपी, बी है हमारा देहिक संकरण, सी है प्रोटोप्लास्ट संलयन और डी है हमारा जीन अभियंत्रण। अब आपको जवाब देना है, देखिए क्वेश्चन एक बार वापस से बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दोषपूर्ण जीन यानी कुछ जो जीन है बॉडी के अंदर, जो डीएनए या जो जहाँ पर कोशिका के अंदर जो जीन है वो जीन दोषपूर्ण है, उसमें कुछ खराबी है, अब उसको ठीक करना है तो कौन सा मेथड अपनाओगे आप, ऑप्शन नंबर ए है जीन थेरेपी, बी है हमारा देहिक संकरण, सी है प्रोटोप्लास्ट संलयन और डी है हमारा जीन अभियंत्रण। अब देखिए BHU 2018 का सवाल है, सवाल की कैटेगरी आप देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, इसका आंसर दीजिए ए बी सी या डी, क्या होगा इसका आंसर दीजिए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। जिसने ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब दिया है जीन थेरेपी, बिल्कुल सही जवाब है, दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का जो उपाय होता है वो होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो जीन होता है उनको, जीन को रिपेयर किया जाता है, जीन को क्या किया जाता है रिपेयर किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, तो ध्यान रखना जीन थेरेपी के द्वारा ही जीन को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल है आनुवांशिक लक्षणों के समूह को कहा जाता है, आनुवांशिक लक्षणों के समूह को कहा जाता है। अब देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, जेट 2010 का सवाल है, जेट 2010 में ये सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्वेश्चन क्या है आनुवांशिक लक्षणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीनोटाइप, बी है हमारा फिनोटाइप, सी है हमारा साइमोटाइप और डी है हमारा ग्रीन जीन ग्रुप, बताइए जल्दी से क्या होगा, आनुवांशिक लक्षणों का समूह क्या कहलाएगा इसका जवाब देना है आपको, जीनोटाइप फिनोटाइप साइमोटाइप या जीन ग्रुप, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब, आनुवांशिक लक्षणों के समूह को क्या कहा जाएगा। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जीनोटाइप, बिल्कुल सही जवाब है, जीनोटाइप कहलाता है आनुवांशिक लक्षणों का समूह, जीनोटाइप कहलाता है। अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में एक और होता है, जो जीन को प्रदर्शित करते हैं, जो अंदर के लक्षण को प्रदर्शित करता है वो तो कहलाता है जीनोटाइप, और जो बाहर के लक्षण को प्रकट करता है वो कहलाता है फिनोटाइप, तो ध्यान रख लेना इस चीज का, जीन के लक्षणों को प्रकट करने वाला जीनोटाइप और बाहर के लक्षणों को प्रकट करने वाला फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है जेड 2010 का सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको लाता रहूंगा, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, लाइक करने के बाद में क्लास जब खत्म हो तो आपको बताना है क्लास आपको कैसी मिली, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, तो आरएस तत्व के खोजकर्ता बताना है आपको। अब आरएस तत्व क्या होता है वो सब कुछ बताऊंगा मैं, पहले अगर आपको आता है तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा निकोलसन, बी है हमारा लैंडस्टीनर, सी है मेयर और डी है हमारा मेंडल। बताइए जल्दी से क्या होगा, ए बी सी और डी। आरएच तत्व के खोजकर्ता हैं निकोलसन, लैंडस्टीनर, मेयर या फिर मेंडल, क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। आज स्टूडेंट की जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो भी कुछ खास नहीं है। आज इतनी क्लासें, आज 25 नंबर क्लास है, हमारी 25वीं क्लास है, लेकिन स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, धीरे धीरे है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जब तक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस कितनी है, मेरे स्टूडेंट कितने हैं। जितना आप शेयर करोगे, कोऑपरेट करोगे, उतना ही आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। इसका जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो आर्य तत्व के खोजकर्ता थे वो कौन थे, वो थे लैंडस्टीनर, कॉर्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मकाका रिसस बंदर, मकाका रिसस जो बंदर था उसके अंदर आर्य तत्व की खोज की थी। और रक्त समूह की खोज भी अगर पूछ ले आपसे तो रक्त समूह की खोज भी क्या होगा, रक्त समूह की खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूरी क्लास में बताऊंगा आपको, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो पूरी क्लास को अटेंड करोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। एक अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों वे बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। अब देखिए फलों वे बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, कोशिकांग पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा कोशिकांग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हरित लवक, बी है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सी है बायोप्लास्ट और डी है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब फलों वे बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये बताना है आपको कि कौन प्रदान करता है, हरित लवक करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, बायोप्लास्ट करता है या फिर ल्यूकोप्लास्ट करता है। इन सभी चारों ऑप्शंस के फंडा या डाउट या कुछ भी कह सकते हो आपको, वो सभी मैं क्लियर करूंगा अभी क्या 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 करता है। ठीक है, पहले इसका जवाब दीजिए आप, फलों वे बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही जवाब है, फलों वो बीजों को जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट को समझ में आ गया, फलों वे बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य करेगा क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए नीचे दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, देखिए ल्यूकोप्लास्ट का जो मुख्य काम होता है वो होता है तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे जो पोषक तत्व होते हैं उनका संग्रहण करने का कार्य ल्यूकोप्लास्ट करता है। वापस से सुन लीजिए एक बार, देखिए जो तेल होती है, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य कौन करेगा, ये हमारा करेगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करेगा। ठीक है, अब दो बज गए, एक तो होता है ये हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ हरा रंग ही प्रदान करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हरा रंग ही प्रदान करेगा पौधों को। तो पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, पौधों का हरा रंग होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट का आपसे मुख्य पोषक तत्व या केंद्र पोषक तत्व पूछ लिया जाए तो आपको मैग्नीशियम पे राइट करना है और वो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखना हरित लवक का मुख्य पोषक तत्व आपको जवाब देना है मैग्नीशियम। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने तीनों बता दिया, चौथा नहीं बताया आपने, बायोप्लास्ट क्या होता है। तो देखिए बायोप्लास्ट का मतलब ये है, जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी तो सबसे पहले उसका जो उस नन्हे मुन्ने राही का जो नाम रखा था या पेट नेम रखा था या निकनेम रखा था या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो नाम रखा गया था पहले बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट ही नाम रखा गया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही बड़ा होता गया और लोगों को उसके बारे में पता चला तो फिर उसको एक ऑफिशियल ढंग का नाम दे दिया गया और उसको आज हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना बायोप्लास्ट ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और जिस जो सबसे पहले देखा था उसी ने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, रक्त के अंदर कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। देखिए इससे पहले मैं एक फंडा क्लियर कर देता हूं, जो रक्त होता है वो हमारे शरीर का एक उत्तक है। ठीक है, रक्त हमारे शरीर का एक उत्तक है। अब उत्तक कैसे है यह भी मैं बता देता हूं। देखो
कोशिकाओं का जो समूह होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो क्या कहलाता है, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो कहलाता है उत्तक, या जिसको बोलते हैं हम टिश्यू। तो टिश्यू क्या होगा या उत्तक क्या होगा, कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होगा या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को अंजाम देंगी तो वो शरीर का वो अंग क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो आपको पता है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका के सॉरी रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं भी पाई जाती हैं, फिर उसके अंदर बी लसिका कोशिका या बी लिम्फोसाइट भी पाए जाते हैं, लेकिन उपकला कोशिका नहीं पाई जाती, उपकला कोशिका नहीं पाई जाती है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, रक्त में कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी, उपकला कोशिका नहीं पाई जाएगी, बाकी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु टी लिम्फोसाइट वगैरह सब कुछ पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। एक क्लास में मैं 30 क्वेश्चन लाता हूँ, आज थोड़े कम हैं तो 30 क्वेश्चन लाता हूँ और एक क्वेश्चन से रिलेटेड चार क्वेश्चन बताता हूँ। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 25 क्लास के लगभग 2500 क्वेश्चन के समथिंग होते हैं, फिर भी 2500 में से आप ऊपर के 500 हटा दीजिए फिर भी 2000 क्वेश्चन का मतलब है आपकी जो बायोलॉजी है, जो जेट ICR और BHU लेवल की जो बायोलॉजी है, लगभग आपकी 80% बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। अगर आप अब नए जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमारा रिवाइज है, हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, और जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो कमेंट करना कि सर मैं नया नया जुड़ा हूँ मुझे क्या करना है, तो उसका भी उपाय हमारे पास है। ठीक है, तो सब कुछ करेंगे आपको, बिल्कुल घर घर तक अपन मैटर पहुँचाएंगे पढ़ने का, और घर घर तक इन क्लासेस को पहुँचाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। तो आप भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो ब्राइट स्टूडेंट है पढ़ने में होशियार है उन तक ये पहुंचाइए, शेयर करिए इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर आप कर सकते हो शेयर करिए, एक शेयर से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन देखिए ICR 2019 का क्वेश्चन है और बहुत ही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है ICR 2019 का। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए के एक नमूने में यानी कि डीएनए के एक सैंपल में क्षारों में ग्वानिन का प्रतिशत 20% है। ग्वानिन आपको पता है जो क्षारक होते हैं, पिरिमिडिन क्षारक होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, तो ग्वानिन का जो प्रतिशत है वो 20% है, तो एडिनिन का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है आपको। एडिनिन और ग्वानिन का प्रतिशत होता है, उसमें से ग्वानिन का तो इन्होंने बता दिया कि भाई 20% है, तो अब एडिनिन का कितना होगा, तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या फिर 40 होगा। अब ये जवाब आपको देना है A, B, C या D, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको डीएनए के एक अणु में क्षारों में ग्वानिन का कितना प्रतिशत होगा। 20% है तो कितना होगा एडिनिन का, बताइए जल्दी से। देखिए जिसने 20 जवाब दे दिया है बिल्कुल गलत जवाब है, जिसने 30 जवाब दिया है आपका जवाब सही है, और जिसने गलत भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो गलत भी दे सकते हो, आप दिया करो, जब तक आंसर नहीं दोगे आपके अंदर का जो डर है वो कैसे निकलेगा कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आपको मेन एग्जाम में ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आएगा उसी का देना है वरना नहीं देना है। ठीक है, उसके बारे में मैं एक अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक ऐसी नहीं है कि आप सब पे लागू होती है, वो उसी कंडीशन में कुछ कुछ क्वेश्चंस पे लागू होती है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30%, यानी कि जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं उनके बीच में जो 20% होता है वो तो होता है ग्वानिन का, और जो 30% होता है वो होता है एडिनिन का। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एडिनिन और ग्वानिन आपस में जो जुड़े होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग किसके द्वारा होती है, वो बॉन्डिंग आपकी होती है हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि डीएनए के जो क्षारक अनुक्रम होते हैं वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो एडिनिन और आपका जो ग्वानिन और एडिनिन है वो किससे जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आता है इस प्रकार से सवाल, आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है दीमक कीट का निवास क्या कहलाता है। जो दीमक होता है कीट, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस बोलते हैं इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ठीक है, अब आपको बताना है इसका निवास क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टर्मेरिया, बी है हमारा कोलो समूह, सी है हमारा दीमक फॉल्क और डी है हमारा कोई नहीं, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है टर्मेटेरिया, कोलो समूह, दीमक फॉल्क या फिर कोई नहीं। दीमक क्या कहलाएगा, दीमक का निवास स्थान क्या कहलाएगा, जिसे जो भील समुदाय के लोग होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो कहलाता है टापरा। ठीक है, उसी प्रकार से जब राजस्थान जीके पढ़ोगे आप, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करोगे, तो आपको बहुत कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, सॉरी राजस्थान जीके के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
बहुत ही हमारी संस्कृति है वो बहुत ही निराली है, राजस्थान की संस्कृति। तो देखिए इसका जवाब जिसने दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला टर्मेटेरिया बिल्कुल सही जवाब है। जो दीमक का निवास स्थान कहलाता है, दीमक कीट का जो निवास स्थान होता है वो होता है टर्मेटेरिया। क्या कहलाता है? टर्मेटेरिया कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए जल्दी से, क्वेश्चन पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं। अब जेड 2010 का सवाल है। अब मैं पहले तो आपको टर्नर बताऊंगा, सिंड्रोम बताऊंगा, सब कुछ ही बताऊंगा आपको। तो अब एक बार आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो देखिए, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, वापस से समझा देता हूँ क्योंकि रोजाना कुछ स्टूडेंट नए जुड़ते हैं। तो देखिए सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है विभिन्न प्रकार के रोगों का समूह, ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारे रोगों का जो समूह होता है वो कहलाता है सिंड्रोम। सिर्फ सिंड्रोम की बात हो रही है। अब उसी में से एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का टाइप पूछा गया है यहाँ पर, फिर मैं बताऊंगा किस गुणसूत्र से होता है, किस गुणसूत्र की कमी से होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्स और जीरो, ये जीरो है ओ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डबल एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्स डबल वाई, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा एक्स वाई एक्स वाई। अब इसका आंसर देना है आपको, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होंगे, ए बी सी और डी, क्या होगा इसका जवाब। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होंगे, जवाब दीजिए इसका, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को मैं पहले भी पूछ चुका हूँ टेस्ट सीरीज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो जवाब होगा वो होगा एक्स जीरो। एक्स जीरो कैसे होगा, अब देखिए जो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स जीरो कैसे होते हैं। देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये विशेष प्रकार का एक लिंग गुणसूत्र की कमी से होने वाला सिंड्रोम है। इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो गायब हो जाता है या उसकी कमी हो जाती है। तो लिंग गुणसूत्र की जब कमी हो जाती है तो वो कमी होने के बाद में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम होता किसके अंदर है, तो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के अंदर ही होता है। किसमें होता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के अंदर ही होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। ठीक है, पुरुषों में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए अब आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है। आईसीआर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप आगे अभी पढ़ते हो तो आपको जेट और बीएचयू में भी बहुत आसानी होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मानव के दो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं। अभी मैंने इंसुलिन का बताया था, सॉरी मैंने उसका बताया था आपको इससे पहले, डीएनए वाला बताया था। अब आपको बताना है मानव के दो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं। इंसुलिन पता है आपको क्या करता है, कहाँ होता है, रक्त के अंदर पाया जाता है, कहाँ पर क्या करता है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने पहले। आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, बी है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी है हमारा कार्बन बॉन्ड और डी है हमारा कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआर 2019 का क्वेश्चन है। बताइए इसका जवाब क्या होगा, मानव के दो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड किससे जुड़े होते हैं, आईसीआर 2019। जिसने इसका जवाब दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका जवाब थोड़ा गलत है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा इसका जवाब। देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अब ध्यान रखना दो इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में जानते हो, शर्करा का नियंत्रण करने वाला, रक्त के अंदर उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान समझना, जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पराबैंगनी किरणें, बी है हमारा गामा किरणें, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। अब आपको बताना है ए बी सी और डी, क्या होगा इसका जवाब, जीन की संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही इंक्लूड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिए, पहले
यहाँ पर पूछा गया है कि जीन संरचना में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संरचना में परिवर्तन हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें म्यूटेशन करवाना है। म्यूटेशन क्यों करवाना है, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली बता रहा हूँ मैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब जो प्राकृतिक होगा वो किससे होगा, पराबैंगनी किरणों से होगा या फिर बहुत सारी जो रेडिएशन होती है उसके द्वारा होता है। दूसरा है हमारा गामा किरणें, जब हम कृत्रिम तरीके से कराएंगे तो गामा किरणों के द्वारा हम क्या कराएंगे, गामा किरणों के द्वारा जीन की संरचना में परिवर्तन कराएंगे। ये क्यों कराएंगे ये परिवर्तन, जब हम किसमें विकसित करते हैं, वेराइटीज डेवलपमेंट करते हैं, तो उस दौरान हम उत्परिवर्तन कराते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, और उस म्यूटेशन से क्या होता है, उस म्यूटेशन से नए वेराइटी या नई किस्मों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर वो लाभदायक होती है तो उन्हें आगे कंसीडर किया जाता है, हानिकारक होती है तो उन्हें वही नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, बिल्कुल इस तरीके से आपको इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे ही समझ आएगा, बाकी और कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लाइक कर लीजिए, बहुत बार बोलता हूँ मैं, आप करते नहीं हो, बिना किए ही चले जाते हो, कमेंट करके जरूर जाना क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोगी है, पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए है सेमा क्लोन, बी है एक्स प्लांट, सी है क्लोन और डी है हमारा इनोकुलेंट। अब आपको इसका जवाब देना है, पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोगी है क्या कहलाता है। बीएचयू 2018 का सवाल है, ये बीएचयू 2018 का सवाल है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए जल्दी से, पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन में उपयोगी है क्या कहलाएगा, सेमा क्लोन, एक्स प्लांट क्लोन या फिर एनोक्लोन। देखिए जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है, एक्स प्लांट बिल्कुल सही जवाब है। पौधों का वह भाग जो उत्तक संवर्धन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, उत्तक संवर्धन का मतलब होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक जिसमें लाखों की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हम पौधे का जो भाग लेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एक्स प्लांट, या इसको एक्स पादप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिए क्या है, पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, पूरी क्लास अटेंड करनी है, लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी सी और बची है, थोड़ी सी छोटी क्लास है आज की, लेकिन आपको पूरी अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रसारोहण का ससंजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। रसारोहण क्या होता है, ससंजन सिद्धांत क्या होता है, ये सब बताऊंगा मैं, पहले बताइए आपको अगर आता है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीडल वे टेटम, बी है हमारा नोल वे रस्का, सी है हमारा डिक्सन वे जोली और डी है हमारा श्वान वे श्लाइडेन। क्या होगा इसका जवाब, रसारोहण का ससंजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, रसारोहण का ससंजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बीडल वे टेटम, नोल वे रस्का, डिक्सन वे जोली, श्वान वे श्लाइडेन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है और ऑप्शन नंबर सी वाला डिक्सन वे जोली बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए समझिए रसारोहण क्या होता है, देखिए रसारोहण का जो ससंजन सिद्धांत है उसके अंदर ये बताया गया है, पहले तो रसारोहण समझिए, रसारोहण का मतलब होता है जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पोषक तत्वों को, जल को जड़ें क्या करती हैं वहाँ से अवशोषित करती है और कहाँ पर भेजती है, ऊपर पूरे सभी भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो सिद्धांत होता है ये रसारोहण कहलाता है। वापस से समझिए, ये प्लांट के नीचे रूट्स होती हैं, यहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, पोषक तत्व अवेलेबल होता है, इन पोषक तत्वों को पानी को वो क्या करती है, अवशोषित करती है और पूरे भाग में क्या करती है, पौधों के पूरे भाग में विभाजित करती है, प्रसारित करती है, भेजती है। तो ये चीज़ कहलाती है रसारोहण, और इसका एक सिद्धांत है जो क्या कहलाता है, ससंजन सिद्धांत। ये दिया था इन दो महानुभावों ने, डिक्सन और जोली नामक दो वैज्ञानिक ने। अब इस ससंजन सिद्धांत, ये सिद्धांत थोड़ा बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि ये जो जल और पोषक तत्व गति करते हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब गति करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक तनाव क्रिएट होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है, जिससे ये जल के कण, पोषक तत्वों के कण आपस में जुड़े होते हैं और पानी की एक लंबी, या जल के और पोषक तत्वों के अणुओं की एक लंबी सी लाइन का निर्माण करते हैं। और ये लंबी सी लाइन क्या करती है, जैसे ही ऊपर से पोषक तत्व उपयोग में हो जाता है तो वहाँ एक नया पोषक तत्व या एक जल का नया अणु उसका स्थान ले लेता है, और नीचे से एक अणु जुड़ता जाता है और ऊपर से एक अणु उपयोग में होता जाता है। तो ये थोड़ा सा
बड़ा सिद्धांत है लेकिन कभी समझाएंगे आपको ब्लैक बोर्ड पर राजकुमार नागर सर बिल्कुल सही तरीके से आपको समझा देंगे। कल से वैसे आपकी क्लासेस चालू हो रही है, ठीक है, तो अब कल से क्लासेस का समय भी पूछूंगा मैं आपसे, कमेंट करके बताना है। देखिए सुबह वाली क्लास जो 11:30 बजे की है वो उसी समय रहेगी, शाम की जो क्लास अभी लग रही है वो भी उसी समय रहेगी। अब इसके अलावा आपको समय बताना है, इंग्लिश मीडियम की क्लास होगी और हिंदी मीडियम की क्लास होगी, दोनों की क्लास होगी ऑन द बोर्ड, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दिन जो क्लास होगी आपकी वो तो बिल्कुल ऐसे ही होगी, बेसिकली क्लास, और फिर उसके बाद में आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ऑन द ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आपको स्क्रीन के सामने, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको थोड़ा ये करना है कि बस टाइम जरूर बता के जाना मुझे कि किस टाइम आपकी क्लास लगाई जाए, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ कमेंट करके जाना आई एम ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ताकि हम देखें कि इंग्लिश मीडियम की क्लास लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डिक्सन और जोली। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं, जेट 2010 का सवाल है, पके हुए टमाटर की भित्ति में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोप्लास्ट, बी है हमारा क्रोमोप्लास्ट, सी है बायोप्लास्ट और डी है हमारा कोई नहीं, ठीक है। अब बताना है पके हुए टमाटर की भित्ति में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, बायोप्लास्ट या फिर कोई नहीं, क्या पाया जाएगा पके हुए टमाटर की भित्ति में। जिसने इसका जवाब दिया है क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही जवाब है, पके हुए टमाटर की भित्ति के अंदर क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट की ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, जो टमाटर होता है वो पक जाता है, पकने के बाद में वो धीरे धीरे डिकम्पोज यानी सड़ना चालू हो जाता है, और ये जो क्रिया होती है ये क्रिया विशेष रूप से किसके द्वारा होती है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होती है, इज दैट क्लियर। और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो जेट 2012 का मैंने पेपर देखा था ना उसमें ये बायोलॉजी में ये सवाल पूछा गया था कि लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, सॉरी, जो लाल रंग होता है टमाटर का वो किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होगा, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए जेट 2010 का सवाल है, हो सकता है कि आपको ये सवाल आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक सवाल उनका सिलेक्शन करवा सकता है, वैसे आप सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, मेरी दुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सॉरी क्वेश्चन है हमारा, एटीपी कहाँ बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बी है रिक्तिका, सी है केंद्रक और डी है राइबोसोम। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑप्शन भी आपने पढ़ लिए, जवाब दीजिए पहले इसका, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जवाब दीजिए, जवाब क्या होगा इसका, जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। एटीपी कहाँ पर बनते हैं, एटीपी बनते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर नाम लिखा हुआ आया ही नहीं, अब हिंदी के स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम लिखा हुआ नहीं आया, अब हम क्या करें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है वो होता है सूत्रकणिका, तो ध्यान रखना है, बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की रामायण गाए जा रहे हैं, अरे बच्चों हिंदी मीडियम के हो, आपको दो नाव में सवार होना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाली में भी और हिंदी मीडियम वाली में भी, क्योंकि आपके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो फट से उठा के इंग्लिश वाला नाम आपको हिंदी में चिपका देगा, फिर आप क्या करोगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी ऐसा ही है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे नहीं लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में लिखा जाता है MITOR INDY, ठीक है, लेकिन ये उसने क्या कर दिया, हिंदी में लिख दिया। अब आपको इसका तो पता है लेकिन आपको दूसरे जो वर्ड्स हैं उनका पता नहीं है, तो अब इसको वो हिंदी में लिख देगा वापस से सूत्रकणिका, तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए कहता हूँ बार बार इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वालों की तो कन्फर्म है, उनको हिंदी में कोई नहीं देगा, उनको तो इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का कार्य है, जेट 2011 का, सॉरी 10 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रुधिर स्कंदन, बी है हमारा रुधिर की गति, सी है रुधिर का निर्माण करना और डी है हमारा श्वसन यानी ब्रीदिंग, ठीक है, बताइए जल्दी से, ब्रीदिंग या उसको रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। विटामिन के का कार्य है रुधिर स्कंदन, रुधिर गति, रुधिर निर्माण या श्वसन, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब, विटामिन के का कार्य बताना है आपको, विटामिन के का कार्य। जिसने इसका जवाब दिया है विटामिन के का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला रुधिर स्कंदन, बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन के का कार्य क्या होगा, विटामिन ए का कार्य होगा रुधिर स्कंदन। अब रुधिर स्कंदन क्या होगा, जैसे ही आपके चोट लगती है, चोट लगने के स्थान पर ये क्या जाता है, तुरंत भाग के जाता है और वहां से उस छेद को बंद कर देता है,
बंद कैसे करता है, ये कहाँ पर होता है, ये जो के होता है ये इसके अंदर घुला हुआ होता है, इसके अंदर घुला हुआ होता है और वहाँ पर जाता है और जाके क्या कर देता है, अपनी सेना को बुला लेता है, पूरे विटामिन के को बुला लेता है और उसके अणु पास पास हो जाते हैं, वो वहाँ का खून जो होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है और शरीर से बाहर निकलना बंद कर देता है। तो एक तरीके से जब हमारी बॉडी में पंक्चर होता है तो उस पर पेच लगाने का कार्य कौन करता है, उस पर पेच लगाने का कार्य करता है विटामिन के। ट्रिक कैसी लगी बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिर्फ दो क्वेश्चन और बचे हैं, पूरी क्लास अटेंड कर जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वाशियोरकर रोग का लक्षण क्या है, क्वाशियोरकर रोग का लक्षण बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, बच्चों का पेट फूल जाना, बी है हमारा भूख की कमी, सी है स्वभाव का चिड़चिड़ा होना और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो देखिए जो क्वाशियोरकर रोग होता है मोस्टली बच्चों के अंदर ही होता है और भूख की कमी के कारण क्या हो जाता है, भूख की कमी के कारण उनका पेट फूल जाता है और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो ध्यान रखना क्वाशियोरकर मेलेस्मस और ये जो दो तीन रोग हैं इनके बारे में लक्षण आप पढ़ लेना, इनसे पूछे जाएंगे किसकी कमी से होगा, इनका स्रोत क्या है और इनके उपनाम क्या है, ये भी पूछा जाता है कई कई बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर BHU 2018 का सवाल है ये। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, मतलब वेरियस टाइप्स, इनमें से जो है आम केला नींबू चीकू ज्वार, इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ या सबसे ज़्यादा जो प्रकार हैं किसमें हैं वो किसकी हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अब ये तो मैंने इजी कर दिया इसलिए आप आसानी से जवाब दे दोगे, लेकिन BHU में सवाल जो पूछा जाएगा वो आपको घुमा के बिल्कुल पूछा जाएगा और ऐसे ही पूछा जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश आपको कम आती है तो भी पढ़िए इंग्लिश में, क्या पता इंग्लिश से आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाए और आप सही आंसर को पकड़ लो। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आम, सबसे ज़्यादा जो वेरियस टाइप वेराइटीज़ पाई जाती है, किस्में पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती है, वो किसके अंदर पाई जाती हैं, आम के अंदर पाई जाती है। और उस इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको आम मिलेगा वो मिलेगा आपको भारत के अंदर। अब आप कहोगे सर ब्रह्मांड कैसे बोला, तो देखिए ब्रह्मांड मैंने इसलिए बोला, वैसे तो ब्रह्मांड का मतलब सारे ही तारे ग्रह सब कुछ आ गया, ग्रह तारे चंदा मामा और सूरज मामा सौर सब कुछ आ गए, लेकिन उन सब में जो जीवन मौजूद है वो हमारी पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा आम उत्पादन होता है बेस्ट क्वालिटी का वो होता है हमारे भारत के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रह्मांड का नाम दिया था। समझा करो बच्चों, कुछ ट्रिक देनी पड़ती है आपको, जब तक आपको कुछ चटपटा ना परोसा जाए तब तक आपको मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी ही, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे भी धमाकेदार क्लास यहाँ पर रोज़ाना होती है, शाम को ठीक 8:30 बजे और सुबह ठीक 11:30 बजे एग्रीकल्चर की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और समय समय पर टेस्ट होते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोशिका में म्यूटेशन का बिंदु होता है, कोशिका जो होती है हमारी सेल होती है उसके अंदर जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, उसका बिंदु होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछना क्या चाह रहा है ये देखिए, जेड 2010 का सवाल है। अब ये पूछना चाह रहा है कि कोशिका के अंदर जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन के दौरान वो जो म्यूटेशन हो रहा है वो कोशिका के कौन से हिस्से में हो रहा है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है DNA, बी दिया है जीन, सी दिया है केंद्रक और डी दिया है लवक। अब आपको बताना है कि कोशिका में जो म्यूटेशन का बिंदु है वो कौन सा होगा, DNA होगा, जीन होगा, केंद्रक होगा या लवक होगा, मतलब म्यूटेशन होने के दौरान इनमें से कौन सी चीज़ बदलेगी, कौन सी चीज़ में परिवर्तन आएगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है जीन, बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका में जब भी म्यूटेशन होगा उत्परिवर्तन होगा तो जीन की संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, जीन आगे पीछे हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कट जाएंगे, फट जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है, 2010 का सवाल है। अब आप कहोगे सर इतने इजी क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, जिसको नहीं आता उसके लिए तो ये क्वेश्चन पहाड़ है। तो देखिए कोशिका, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है, Z 2010 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मेंडल, बी है हमारा श्वानसन, सी है हमारा मेयर और डी है हमारा श्लाइडेन। अब बताइए जल्दी से, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है मेंडल, श्वानसन, मेयर, श्लाइडेन, क्या होगा इसका जवाब, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक मेंडल, श्वानसन, मेयर या फिर श्लाइडेन, क्या होगा इसका जवाब बताइए जल्दी से, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन कहलाएगा। जिसने इसका जवाब दिया है श्वानसन, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक श्वानसन कहलाता है, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन कहलाएगा, श्वानसन, टी श्वानसन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये आपकी क्लास अभी कंप्लीट हो गई, ठीक है।
अब कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि अभी तो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक डेढ़ मिनट का, फिर आप चले जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो कल क्लास लगेगी एग्रीकल्चर वाली, वो लगेगी बिल। टॉपिक बता देता हूँ, टॉपिक नंबर है आपका बिल, वुड एप्पल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वुड एप्पल बोलते हैं। गोल्डन सीरीज चल रही है हमारी, जो स्टूडेंट न्यू है उनको बता देता हूँ। टॉपिक वाइज आपको क्या करवाए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जा रहे हैं, और ये टॉपिक वाइज जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसकी ये 11वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको 10 क्लास दे चुका हूँ और 10 टॉपिक अलग अलग थे, उन पर क्लासेस दे चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, कल सुबह ठीक 11:30 बजे मिलेंगे हम, और कल शाम को 6:30 बजे 7 बजे के समथिंग आपको पेपर सॉल्व, जो पेपर कल बनाया था, सॉरी आज सुबह जो बनाया था वो सॉल्व करवाया जाएगा, रिजल्ट भी आपको सुनाया जाएगा, और जो टॉप बच्चा होगा उसको कम्युनिटी टैब में जगह मिलेगी, उसको सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे उसका जो स्कोर कार्ड है वो शो होगा, उसकी फ़ोटो भी होगी उसमें, और उसकी फ़ोटो के साथ साथ उसका नाम होगा। एक सर्टिफिकेट है हमारा, डिजिटल सर्टिफिकेट, ऑफिशियल नहीं है लेकिन डिजिटल है, उस पर उसका सब कुछ होगा। तो जो फर्स्ट आएगा उसको मैं वैसे ही हम उससे डिटेल मांग लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, और सबसे ज़्यादा काम करते रहिए पढ़ाई का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहना, बाहर कोरोना है बच्चों, ठीक है, बाय बाय।